काम ये सुबह शाम करता हूँ जिक्र खैरुल आराम करता हूँ, काम ये सुबह शाम करता हूँ जिक्र खैरुल आराम करता हूँ। नबी को जो सलाम करता है मैं भी उसी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल लदीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस व मुअत्तर व मुतहर व मुनव्वर में तमामी हजरात अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। सल्लू अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिजा किसी को बहार देता है, खिजा किसी को बहार देता है, तमाम नेहमतें परवरदिगार देता है, तमाम नेहमतें परवरदिगार देता है। और बुलंदियों पे पहुँच कर गुरूर मत करना, बुलंदियों पे पहुँच कर गुरूर मत करना। वो आसमां से जमीन पर उतार देता है, वो आसमां से जमीन पर उतार देता है। एक वो है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ, मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ। खताएं देख रहा है सजा नहीं देता, खताएं देख रहा है सजा नहीं देता। धूप और छाव के मौसम भी वही देता है, हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। लाई के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस जलसे को सजाने वाले जनाब खुर्शीद अहमद साहब किबला। मैं बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ या पाक परवरदिगार आलम इस जलसे को सजाने के सदके में मौला हसीब भाई नजीम भाई की जिंदगियों को सजा दे। जितने हजरात तशरीफ ला चुके हैं मौला सबके आने कबूल फरमा ले। हमें चार मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप किस मूड में हैं। शेर सुनिए कि ऐसे है कायनात पैगंबर के सामने। हजरत ये ऐसे मिसरे हैं कसम खुदा की, जो लोग ये कहते हैं कि जलसे में जाएंगे तो क्या मिलेगा। मेरे भाई जलसे में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी नेता की महफिल में जाते हैं तो आपको पूरी कचौड़ी मिलती है, आप किसी दुनियादार की महफिल में जाते हैं तो आपको रिश्वत के पैमाने मिलते हैं। लेकिन प्यारे आमना के लाल के जलसे का मामला ये है, अगर आज आप इस जलसे में आकर के बैठोगे तो मेरा ईमान बोलता है, मेरा विश्वास बोलता है आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। जितने हजरात अपने घरों पर आराम कर रहे हैं, चुराहों पर खड़े हैं, बहुत जल्द तशरीफ ले आए। शेर में पढ़ता हूँ कि ऐसे है कायनात पैगंबर के सामने। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूंगा। ऐसे है कायनात पैगंबर के सामने, ऐसे है कायनात पैगंबर के सामने, जैसे हो एक कतरा समंदर के सामने, जैसे हो एक कतरा समंदर के सामने। रोज आके पूछती जन्नत मेरा मिजाज, रोज आके पूछती जन्नत मेरा मिजाज, घर काश मेरा होता तेरे घर के सामने, घर काश मेरा होता तेरे घर के सामने। और शब्बीर 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 न झुके किसी सर के सामने, शब्बीर न झुके किसी सर के सामने। सारा जहां झुका है कटे सर के सामने, सारा जहां झुका है कटे सर के सामने। और देना था इम्तिहान उन्हें वरना जंग में, देना था इम्तिहान उन्हें वरना जंग में, लाखों भी कुछ नहीं थे बहत्तर के सामने, लाखों भी कुछ नहीं थे बहत्तर के सामने। दीजिए हजरात प्रोग्राम आपका एकदम कामयाबी की तरफ रवा दवा हो चुका है। अब मैं बहुत तेजी के साथ आशिक रसूल बनता है रसूल जनाब मोहतरम जुनैद अख्तर खलीली को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिंदादिली के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे
मोहतरम जुनैद अख्तर संभली, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसिया मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई।